हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएल से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। और यूपीआर वीएनएल का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, इसके संबंध में जहाँ पर नोटिस जारी किया गया है इसके भी संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इसकी क्या इसकी जो नई एग्जाम डेट क्या रहने वाली है इसके भी संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यूपी पीसीएल का यहाँ पर एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है और इसके रिजल्ट का इंतजार है सभी कैंडिडेट्स को। तो इसका भी रिजल्ट के भी डेट की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और यूपी पीसीएल जेईई के एग्जाम डेट के संबंध में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखें यूपीआरवीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा uprvnl.org। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पर देखिए 23 तारीख की डेट में यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है 16:36 का। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इस नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है ये नोटिस जारी किया गया है uprvnl के द्वारा। यहाँ पर देखिए ये नोटिस जारी किया गया है uprvnl के द्वारा जो कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यहाँ पर देखिए आवश्यक सूचना के संबंध में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए दिया है कि विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत सहायक अभियंता प्रशिक्षु E&M और देखिए विद्युत पद कोड देखिए यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और सहायक अभियंता के पद और जो सहायक समीक्षा अधिकारी और स्टाफ नर्स और टेक्नीशियन श्रेणी सेकंड के जो इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर एग्जाम होना था यहाँ पर देखिए अपरिहार्य कारणोंवश अग्रेतर आदेशों तक यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। यानी कि आगे जो भी आदेश आएगा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के द्वारा आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी, तब तक के लिए यहाँ पर जो एग्जाम होना था उसको यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए एग्जाम डेट क्या क्या थी इसमें, देखिए 9/5/2021, 16/5/2021, 21/5/2021 और 22/5/2021 यहाँ पर चार डेट यहाँ पर uprvnl के एग्जाम के लगे हुए थे जो कि यहाँ पर जो अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो भी ऑफिशियल नोटिस होगा आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा uprvnl के ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है उसके संबंध में यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी गई। और रही बात अब देखिए uppcl tg2 के रिजल्ट का, तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार का यहाँ कोरोना का पेंडेमिक है यहाँ पर, तो 15 मई तक यहाँ पर देखिए कोई भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जाने वाला है। यहाँ पर जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और जो कोरोना के वैक्सीनेशन किया जा रहा है उससे ऐसा कहा जा रहा है कि जो अप्रैल के बाद मई में यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाएगा कोरोना को यहाँ पर वैक्सीनेशन के द्वारा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर उम्मीद है कि जो TG2 के यहाँ पर जो ऑफिशियल अपडेट तो अभी नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है तो यहाँ पे जून के माह में इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं UPPCL JEE और AE के एग्जाम डेट की बात करें तो जून के लास्ट तक इसकी जो है कि एग्जाम की घोषणा कर दी जाएगी और जो इसका एग्जाम है वो जुलाई के लास्ट में या जुलाई के मध्य में इसके एग्जाम होने की संभावना जताई जा रही है। और जो uprvnl के एग्जाम डेट की हम लोग बात करें, इसका जो पोस्टपोन्ड अभी एग्जाम डेट हुआ है तो इसके भी एग्जाम की जो सूचना है उसके अनुसार यहाँ पर जुलाई में ही इसके एग्जाम होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और फ्रेंड्स, LMRC के मेंटेनर के लिए जो यहाँ पर पोस्ट डाला गया था उस पर जो है अधिक से अधिक आप लोग वोटिंग करिए और जो पुराना SCTO का यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है डाला गया है तो उस पर जो है कि अपनी